विधानसभा चुनाव को लेकर गाजीपुर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और संदिग्धों की तलाशी भी कर रही है। इसी क्रम में आज पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 11 अवैध असलाह बरामद किया, जिसमें 10 अदद 315 बोर तमंचा और एक पिस्टल शामिल है। एसपी रामबदन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सीओ जमानिया और एसओ रेवतीपुर द्वारा देर रात भक्सी का डेरा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन दोनों ने पुलिस पर फायर झोंकते हुए भागने का प्रयास किया, पर पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त अख्तर अंसारी ग्राम मुखराव थाना कुचिला कैमूर बिहार का रहने वाला है, जबकि दूसरा महावीर ग्राम सेवराई थाना गहमर गाजीपुर का निवासी है। इनमें से अख्तर अंसारी के खिलाफ गहमर और रेतीपुर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत पहले से ही मुकदमा दर्ज है। यदि सूत्रों की बात माने तो यह सभी असलहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर खपाया जाना था, लेकिन इसके पूर्व ही दोनों तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आज रात में मुठभेड़ के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अख्तर सना कयामुद्दीन है और ये भगुआ जिले का रहने वाला है, और दूसरा जो लड़का है वो महावीर है और ये सेवराई का रहने वाला है। इनके पास से 10 अवैध असलहे मिले हैं और एक 30 की पिस्टल मिली है। कुल मिलाकर के 11 असलहे और 11 राउंड इनसे बरामद हुए हैं। ये यहाँ पर सप्लाई के लिए लाया था तब पकड़ा गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास भी कुछ है? हाँ, ये जो अख्तर है इसका पहले क्रम आपराधिक इतिहास अभी मिला है जो पिछले साल का है, और अभी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन से पता कर रहे हैं कि और कितने अपराध हैं इसके। अब इनका ये था कि अब चूंकि इलेक्शन आया है तो इसकी काफ़ी डिमांड है, इसी की ये सप्लाई करने आया था। मतलब इलेक्शन को लेकर? सर हाँ, इलेक्शन को लेकर के कि अब इलेक्शन में काफ़ी लोग खरीदते हैं, इसीलिए आया था। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसे किसे इसका सप्लाई करना था इसे। ना पूरी हो कुष्ठ मुक्त भारत हो, मिलकर करें नेक काम। तमन्ना पूरी हो कुष्ठ मुक्त भारत हो, मिलकर करें नेक काम। अरे ये सबको बताएंगे, तमन्ना पूरी हो कुष्ठ मुक्त भारत हो, मिलकर करें नेक काम। चर्म रोग खोज अभियान, चर्म रोग खोज अभियान।